हमारा ये आदर्श ग्राम योजना युग ऋषि की ग्राम शिक्षा योजना है कि एक गांव कैसा हो, उसमें गांव में क्या मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए, उसका स्वरूप यहाँ पर अभी बना रहे हैं। अभी इसमें मॉडल इसके भी आज रखाएंगे, कल इसका इनॉग्रेशन। तो एक गाँव इसमें दिया हुआ है। और इसके अलावा एक हम लोग मधुर विश्व गायत्री परिवार शांतिगुंज हरिद्वार द्वारा वर्ष 2016 और 17 को युवा क्रांति वर्ष के रूप में मनाया गया, और उस युवा क्रांति दो वर्षीय युवा क्रांति वर्ष का समापन नागपुर में इस जीरो माइल सेंटर पर हमने करने का निर्णय किया। हमारे प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की, और नागपुर में ये 25, 26, 27 और 28 चार दिन का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कल से हमारी रैलियां निकलेंगी, पूरे नगर में भ्रमण का क्रम है, और 26, 27 और 28 को 26 से शुभारंभ होगा। 26 की सुबह एक युवा परेड होगी, राष्ट्रीय स्तर पर जैसे हमारा विजय पथ पर परेड होती है वैसी परेड या युवा परेड आयोजित की जाएगी। युवाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, युवाओं के लिए मार्गदर्शन होगा, उनके व्यक्तित्व विकास की बात होगी, देश के नवनिर्माण में उनके किस तरह योगदान हो सकता है उसकी प्रेरणा यहाँ से मिलेगी। और 27 तारीख को एक बड़ा संकल्प समारोह होगा, 28 तारीख को हमारा समापन का कार्यक्रम होगा जिसमें 108 युवाओं को यहाँ से विदा किया जाएगा देश में परिवज्जा के लिए। साथ ही साथ पूरे 27 राज्यों के लिए यहाँ से एक संदेश लेकर सबको मशाल सौंपी जाएगी, और लगभग 24 ऐसे सृजन शिल्पियों को जिन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके वृक्षारोपण, नदियों के संरक्षण में काम किया है, ऐसे करीब 24-25 लोगों को यहाँ से पुरस्कृत किया जा रहा है। और इस तरह से हमारा ये चार दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होगा। उद्देश्य यही है कि देश की 65% जनसंख्या को, युवाओं को, तरुणाई को राष्ट्र के नवनिर्माण में नियोजित किया जाए, उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाए, और इस तरह एक नए भारत के निर्माण की नींव रखी जाए। सर, इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? इसमें हमारे शांतिगुंज से श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, फिर आदरणीय चिन्मय पंड्या जी आ रहे हैं, आदरणीय कालीचरण शर्मा जी हमारे साथ हैं, ये हमारे पूरे के पूरे जितना भी हमारा देश का संगठन है उसके संगठन प्रभारी हैं, और इसके अतिरिक्त शांतिगुंज के और भी बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आएंगे। स्थानीय स्तर के हमारे कुछ मंत्रीगण और हमारे संतगण भी यहाँ पधार रहे हैं।